वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक व्यूअर्स. यहाँ पे बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो बैठ के सोच रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी, और पता नहीं किन किन सोचों में गुम है यहाँ पे. और मेरी नज़र भी एक ऐसी कंटेस्टेंट पे पड़ी जो काफ़ी देर से यहाँ पे बैठ के सोच रहे थे कि मुझे येलो कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसके अलावा कोई सोच थी उनके जहन में. आइए उनसे खुद ही पूछ रहे थे कि वो क्या सोच रहे थे. क्या नाम है आपका? आसिम, सैयद आसिम. सैयद आसिम, अच्छा मुझे बताएं क्या सोच रहे थे इतनी देर से हम आपको देख रहे थे. कुछ मतलब क्या सोच के आ रही थी? किसी का कर्ज देना था वापस? या कर्ज भी नहीं देना था, वैसे मैं जरा कोई अपने पर्सनल कुछ जो एक्टिविटीज़ थी उनको सोच रहा था. जी मेरा ख्याल था कि यहाँ पे मैं आऊँगा तो एक डेढ़ घंटे में फारिग हो जाऊँगा, लेकिन जो सिलसिला है मुझे नज़र आ रहा है कि तकरीबन 7 से 8 बजेंगे. आप इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मेरा बिजनेस है. छोड़ के आए हैं यहाँ पे, इसमें टाइम निकाल के आए हैं? निकाल के हैं, और इसके अलावा एक और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं जो फलाही तौर पर. मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं, आपको येलो कार्ड मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि नहीं मिलने वाली तो कोई बात नहीं है, और मैं तमाम लोगों से अफसोस. मिलने वाली कोई बात नहीं है, मिलने वाली कोई एक बात बता दें. सो मैनी, क्योंकि तमाम अपने जितने भी बैठे हैं उनसे मैं अफसोस करूँगा कि वो मुझे मिल चुके हैं, और उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा कभी तैयारी करके आए मुकम्मल तौर पर, और इस चीज़ को अपने दिल पर ना लें अगर किसी को ना मिले, और मेरे लिए दुआएं किया करें. सिद्दीकी साहब, क्या तैयारी करके आए आप? एंकरिंग करेंगे, न्यूज़ एंकरिंग करेंगे या प्रोग्राम एंकरिंग? प्रोग्राम. कुछ आप तैयार करके लाए? जी जी, थोड़ा. कैमरा आपका पीछे है, आप शुरू हो जाइए. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफुल मखलूकात के नए एपिसोड के साथ इमरान सिद्दीकी हाजिर. आपको जैसे कि मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में उन टॉपिक्स पे बात करते हैं, उन खसूसियात की बात करते हैं जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाते हैं. आज जो टॉपिक है मेरा वो है इख्तलाफ. वैसे तो सुनने में इख्तलाफ जो है वो ऐसा लगता है कि एक बुरी चीज़ है, लेकिन इख्तलाफ अच्छी चीज़ है. और कहते हैं कि अक्लमंद लोगों में इख्तलाफ राय पाया जाता है, और बेवकूफ़ लोग एक दूसरे से मुत्तफिक होते हैं, क्योंकि सारे गधे एक ही रंग के होते हैं और घोड़ों के रंगों में फ़र्क होता है. देखें, कहा जाता है कि इख्तलाफ जो है वो इस दुनिया की बुनियाद इख्तलाफ अमल पर है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इस दुनिया की बुनियाद क्या, हमारे वजूद की बुनियाद इख्तलाफ पर है. ये उस दिन मुझे पता लगा जब मैंने अपने ज़ुबान और आँख की बात सुनी. ज़ुबान आँख कहती है ज़ुबान. आप अगर लाइव प्रोग्राम कर रहे हो जी, और खांसना पड़ जाए आपको या छींक आ जाए आपको, सॉरी, तो आप माज़ूर से सॉरी. मैं आपको एक मिसाल, आप भी अब्दुल्ला सुनी, शाइस्ता ज़ैद खबरें पढ़ रही थी जी, और उनकी खबरें पढ़ते पढ़ते ऐनक गिर गई. सो आराम से उन्होंने नीचे से वो ऐनक उठाई, आई बेग योर पार्डन कह के उन्होंने खबर वहीं से शुरू कर दी जहाँ से वो पढ़ रही थी. तो ये होता बहुत कम है जी, लेकिन जब भी कभी ये हो तो व्यूअर जो है उनसे आपको माज़ूर बाहर. बिल्कुल बिल्कुल जी. जब मेरी आँख ने कहा ज़ुबान को कि यार तुम जरा सी चीज देख नहीं सकती, गंद देख नहीं सकती, अगर मैं ना काम करूं तो तुम गंद बंद खा लो, इंसान को गंद खाना पड़ेगा, तो ज़ुबान कौन सी चुप रहने वाली है? ज़ुबान कहती है कि देखें, जितनी मिर्चें मैं बर्दाश्त करती हूँ उतनी मिर्चें तो तुम बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, बल्कि एक मिर्च का दाना अगर तुम्हारे अंदर चला जाए तो रो रो के समंदर बहा देती. अगर दुनिया एक ही रंग की होती तो कितनी भद्दी सी लगती, अगर सारी चीज़ें पिंकी कलर की होती तो सोचें कैसी लगती दुनिया. पिंक हमें अच्छा लगता है, दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रास्ट. अच्छा, प्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ या फिर खबरें भी पढ़ सकते हैं? प्रोग्राम भी कर सकता हूँ, खबरें भी पढ़ सकता. खबरें भी पढ़ सकते हैं. शौक किस चीज़ का ज़्यादा है? प्रोग्राम करने. गिव मी 3 रीजंस व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू. देखिए, सबसे पहले मेरी एजुकेशन, दूसरे नंबर पर उसकी नॉलेज, और तीसरे नंबर पर यह है कि मुझे एहसास है लोगों का और उस उनके इश्यूज हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं. सोशल वर्कर क्यों नहीं बनते आप? सोशल वर्क, देखिए सोशल वर्कर का नाम नहीं, मैं एक टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, और सोशल वर्क हर आदमी करता है. शायद आप भी करते हो, आप सर भी करते होंगे, भाई भी करते होंगे, हर आदमी सोशल वर्क तो करता है, लेकिन हर आदमी सोशल वर्कर है कुछ मायनों में. हम पूरे दिन में कुछ सोशल वर्कर क्या होता है मुझे ये पहले बताते हैं. आप उस्ताद हैं, सॉरी, बनाए मेहरबानी बच्चों को ये ना पढ़ाइएगा कि सोशल वर्क होता है. हाँ ठीक है, तो क्या होता है फिर? देखिए, सोशल वर्कर
वो क्या है कि मेरा भाई किसी बात पे सुई फंस जाती है, अगर आपके सीन शीन और एकाफ दुरुस्त नहीं होंगे तो आप कैसे प्रोग्राम नहीं वो आप यहाँ पर सर ने अभी बुखारी सर ने सही कहा, बात ये कि कई दफा इंसान कहीं पर अड़ जाता है, आदमी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है बाद में, वो ये फैसला करके आता है घर से कि मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन इन चीजों की अगर निशानदेही न की जाए तो ये कभी ठीक नहीं होती। बिल्कुल नहीं, देखें अगर आप वैसे सॉरी मैं अगर मुझे सॉरी आप हमारी बात ना कर because you argue a lot, we are not your students, we are here to adjudicate you. Theek hai, your scene and sheen are not correct, lekin iske bawajood bhi we like your confidence. Ha, and we like the concept substance bhi hai. Ye card to aap le jaye lekin aap bahar main bata raha hu apni team ko. You have to say 5 times social work on the camera. अगली दफा कह दूँ या इस दफा? नहीं इसी दफा कहेंगे आप. माया को जरा कन्वे कर दीजिएगा प्लीज. हाँ क्या होता है सोशल वो बाकी बातें बाद में करते हैं, जो आपको होमवर्क मिला वो जरा पहले कर लें जल्दी से. अटक गया कई दफा, बुखारी साहब से भी बात हो रही थी, कई दफा इंसान जो है वो किसी लफ्ज पर जो है ना वो अटक जाता है, जैसे सो को सोशल वर्क. तो आपको इतना है कि 5 बार कहना है ये मुझे ऑर्डर मिले हैं तो मुझे अपने जजेस की मुझे भी तो बात मान. यार ये मुश्किल है, इस बार मैंने कहा था ना यार नहीं, 5 बार सोशल वर्क सोशल वर्क सोशल वर्क और सोशल वर्क और सोशल वर्क. यार कहाँ बता दिया भाई. जजेस इन्होंने बिल्कुल सही कह दिया, सोशल से सोशल वर्क पे आ गए. वो हो जाता है मिस्टेक, ये मैं मानता हूँ कि जब इंसान रवानी में बोलता है तो कहीं तलफ्फुज जो होता है वो इधर का उधर हो जाता है. चले एक बार प्लीज सोशल वर्क सोशल वर्क. कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, अब तक की खबरों के साथ मैं हूँ सैयद अदनान नूर. सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर. दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू पैदा और इस्तेमाल करने वाले मुल्क चीन में आवामी मकामात पर भी तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है. शुरू की 2 लाइनें हैं ना, 3 लाइनें दुनिया जी, में जी. इसको आप अपने रेडियो को भूल कर पढ़ना, टीवी को सामने देख के आपने पढ़ना है कि आप मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नोट करने हैं. अब तक की खबरों के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज. सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर. दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू पैदा और इस्तेमाल करने वाले मुल्क चीन में अवामी मकामात पर भी तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है. और अब खबरें तफसील के साथ. इस बात का ऐलान एपीसी के 5 साल प्रोग्राम में किया गया. ब्रेकिंग न्यूज करते हैं आप लोग रेडियो में, तो फिर आप फैसलाबाद में, सिर्फ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है अभी कि फैसलाबाद में पीआईए बिल्डिंग के पास धमाका हुआ है. आप जरा ब्रेक कर दीजिए न्यूज. अस्सलाम वालेकुम, अब तक की ताज़ा तरीन खबर के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आपको वो बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद में हसास इदारों के दफातर के करीब खुदकुश धमाका हुआ है. बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि इस धमाके में 7 से 8 अफराद जान बहक हुए हैं. मज़ीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदा. नेक्स्ट टाइम आप जो हैं वो न्यूज़ एंकरों वाले होलिया में. ऐसा लग रहा है येलो कार्ड ली. बस खुशी हो रही है जी, अल्लाह का करम है कि रेडियो के बाद टीवी पे फर्स्ट टाइम था तो इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया और येलो कार्ड विन किया. लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है, टारगेट और है. टारगेट क्या है? टारगेट इसमें विन करके जाना है. ये रेड कार्ड विन करके जाना है या इनका नंबर 1 बन के? नंबर 1 बन के जाना है. अभी आपने कहा कि बस खुशी हो रही है, थोड़ी सी खुशी है कि बहुत ज्यादा खुशी है? नहीं ये अभी थोड़ी है, जब एंकर नंबर 1 बनेंगे तो फिर खुशी होगी. अच्छा सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट जजमेंट है आपको क्या लगा, किसने की? मेरा ख्याल है दोनों ने, सलीम बुखारी साहब ने भी और वैदुल्ला साहब ने भी उन्होंने की और उन्होंने जो मुझे कहा कि आप न्यूज़ कास्ट करके दिखाएं तो मैंने करके दिखाया. तो आपने, आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस थी? जी हाँ, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप अपने नंबर खुद सिलेक्ट कर लें, कितने नंबर आपको चाहिए इसमें से. तो मैंने उनसे ये पूछा कि कितने नंबर, उन्होंने कहा 10 में से. मैंने कहा जी अगर बैठा हूँ मैं तो शायद मैं 7-8 नंबर दे देता. उन्होंने कहा ठीक है जी आपको इतने ही दे दिए. मतलब खुश हैं 7-8 में? ठीक है, अपनी रूटीन में ठीक है. Thank you so much and good luck for the next round.
आज जो भी जा रहे हैं येलो कार्ड लेके वापस आ रहा है, मेरे ख्याल में जजेस के पास येलो कार्ड कुछ ज़्यादा ही आ गए, या फिर यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स आज मौजूद हैं उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा। और अच्छी बात है कि आज बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं उनको येलो कार्ड मिल रहा है। अब देखते हैं कि जो अंदर यहाँ पे कंटेस्टेंट गए हैं वो येलो कार्ड लेके आते हैं कि नहीं।